देखिए तक क्लास नाइन्थ है, सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर का ये चैप्टर आप थर्ड आप पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर थर्ड है द वर्ब। वर्ब मीन्स क्या होता है? क्रिया। तो क्रिया के बारे में आज हमें पढ़ना है कि क्रिया क्या चीज होती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें क्रिया के बारे में जानना चाहिए कि क्रिया की विश्लेषण क्या होती है, वर्ब क्या होता है, व्हाट इज वर्ब। तो वर्ब की बात अगर हम करें तो वर्ब वर्ब्स आर वर्ड दैट टेल समथिंग अबाउट अ पर्सन प्लेस आर थिंग्स, ठीक है। वर्ब्स आर वर्ड्स दैट टेल समथिंग अबाउट अ पर्सन प्लेस आर थिंग्स। वे शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ बताते हैं या कुछ कहते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। सीधी सीधी परिभाषा आप जान लीजिए कि वह शब्द ऐसा शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ बताता है, कुछ कहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। जैसा खेलते हैं आप, प्ले प्ले मीन्स क्या होता है? खेलना। प्ले क्या है? एक शब्द है। प्ले प्ले एक ऐसा शब्द है जो किसी के बारे में कुछ बता रहा है, बट कैसा बता रहा है? वर्ब। ये वर्ब है। वर्ब इसलिए है क्योंकि प्ले प्ले मीन्स खेलना। खेलना भी एक प्रकार से क्या है? क्रिया है। आप करते हैं उसको, खेलने का काम कर रहे हैं, इसलिए क्या है? वर्ब है। रन रन मीन्स क्या होता है? दौड़ना। अर्थात आप दौड़ने का काम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या है? ये रन वर्ब है। इसी तरह से स्लीप। स्लीप मीन्स क्या होता है? सोना। अर्थात इस समय जो है सोने का काम कर रहे हैं। जब सोने का काम कर रहे हैं तो ये भी आपका क्या है? वर्ब है। गो गो मीन्स क्या होता है? जाना। अर्थात जाने का कार्य हो रहा है, इस कारण से ये भी क्या है? वर्ब है। तो हमने इसे पहले ही बताया कि ऐसे जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ बताता है, उसकी दशा को दर्शाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसा कि आप लोगों ने एग्जाम्पल देखा, तो अगर हम क्रिया की बात करें तो अगर कोई पूछता है आपसे वर्ब क्या होता है, किसी की परिभाषा बेटा आप बताइए कि वर्ब्स आर वर्ड्स दैट टेल समथिंग अबाउट अ पर्सन प्लेस आर थिंग्स। वे शब्द जो किसी व्यक्ति या वर्ग या स्थान के विषय में कुछ बताते हैं, उनकी दशा को बताते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। अगर बेटा कोई आपसे पूछता है कि वर्ब टाइप्स ऑफ और वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताइए सीधी सीधी बात की वर्ब कितने प्रकार के होती है? दो प्रकार के होती है। कौन कौन? इंप्रांतिक वर्ब और प्रांतिक वर्ब। कोई पूछता है आपसे वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, तो आप सीधी बताइए देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब। क्रियाएं कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। पहला आपका इंप्रांतिक वर्ब। इंप्रांतिक वर्ब का मतलब क्या होता है? अकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया कैसी क्रिया होती है? वह क्रिया किस प्रकार से होती है? पहले का मतलब इसकी सीधी सी परिभाषा आप जान लीजिए कि वे क्रियाएं जो अपना भाव पूर्ण करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। इन ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। कहने का मतलब ऐसी क्रिया हो जो अपना अर्थ स्वयं अपने आप में पूरा कर ले और किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत ना पड़े उसे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इन ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आप देखिए, कमला वीप मतलब क्या होता है? रोना। ये क्या है? प्रकार से रोने का कार्य हो रहा है, तो इस प्रकार से ये क्या है? वर्ब है, क्रिया है। तो कमला वीप, कमला रोती है, अर्थात इसलिए सेंटेंस का अर्थ अपने आप में पूरा हो रहा है। अर्थात ये जो क्रिया है ये अपना अर्थ अपने आप में पूरा कर ले रही है। इस प्रकार से ये कौन सी वर्ब कहलाएगी? इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। तो ध्यान दीजिए बेटा, जिस वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, द फायज लाफ। द फायज, फायज मीन्स लड़के, लाफ मतलब हंसते हैं, ठीक है। तो लाफ मतलब क्या है? हंसना। अर्थात ये भी एक प्रकार से क्रिया है। क्यों क्रिया है? क्योंकि आप हंसने का काम कर रहे हैं। कौन सा काम कर रहे हैं? हंसने का काम कर रहे हैं, रोने का काम कर रहे हैं, गाने का काम कर रहे हैं, चिल्लाने का काम कर रहे हैं। ये सब क्या है? क्रिया है। रोना, हंसना, चिल्लाना, दौड़ना, खेलना, कूदना, सोना, रहना, ये सब क्या है? क्रिया है। तो ये जब क्रिया है, लाभ क्रिया है, तो देखिए इसका अर्थ ये जो है अपने आप में पूरा कर ले रही है। दबाए लाभ, लड़के हंसते हैं। तो इस क्रिया के बाद ध्यान दीजिए भैया, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, तो यही तो हम पढ़ रहे हैं कि इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसी क्रिया होती है जिसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, ये भी कौन सी क्रिया कहलाएगी? इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी।
तीसरा एग्जाम्पल देखिए, द बेल रैंग, रैंग मतलब क्या होता है, रिंग मतलब बजना, रिंग रैंग रंग, ये सेकंड फॉर्म है, बेल क्या होता है घंटी। तो यहाँ पर देखिए रैंग जो लिखा गया है उसके आगे भी कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, जब कोई आगे किसके बाद नहीं दिया गया है और ये वर्ब ये क्रिया जो है अपना अर्थ अपने आप में पूरा कर ले रही है, तो इस प्रकार से ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। तो ध्यान दीजिए बेटा कि इंट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया ऐसी क्रिया होती है, वह क्रिया होती है जो अपना अर्थ स्वयं अपने आप से पूरा कर लेती है, अर्थात ऐसी क्रिया है जिस क्रिया को अपना अर्थ पूरा करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। आइए हम लोग देखते हैं दूसरा क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या होता है, सकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या होता है, सकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया क्या होती है, ऐसी क्रिया जो अपना अर्थ पूरा करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की सहायता लेती है, या ऐसी क्रिया जिसके बाद ऑब्जेक्ट दिया गया होता है वह कौन सी क्रिया कहलाती है, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। बात ध्यान दीजिए, ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव का मतलब सकर्मक, सकर्मक का मतलब होता है ऐसी क्रिया जिसके बाद ऑब्जेक्ट दिया गया होता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। इस प्रकार से आइए हम एग्जांपल देखते हैं, द फार्मर किल्ड है इसने, किल्ड किल्ड मतलब क्या होता है, मारना, इसका सिंगल रूप लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए द फार्मर किल्ड, किसान मार दिया इसने एक शब्द, किसान एक शब्द को क्या किया, मारा, मार दिया। तो ये वर्ब है, वर्ब क्या है, किल्ड। किल्ड के बाद देखिए जब वर्ब है उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट लिखा गया होता है, जब इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट लिखा रहता है तो वह कौन सी क्रिया कहलाती है, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है बेटा, इसको आपको ध्यान में रखना है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यू स्टॉप राइटिंग, स्टॉप मतलब क्या होता है, रुकना, क्या है स्टॉप मतलब क्या होता है, रुकना। यहाँ पर देखिए दोनों क्रिया, दो दो क्रिया दी गई है, लेकिन यहाँ पर एक क्रिया वर्ब का काम कर रही है और दूसरी क्रिया ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, तो यहाँ पर स्टॉप मतलब होता है रुकना। तो स्टॉप के आगे अगर कोई चीज दी गई है, कोई ऑब्जेक्ट लिखा गया है, कोई वर्ड लिखा गया है, तो इसका मतलब ये कौन सी क्रिया कहलाएगी, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। तो ध्यान दीजिए बेटा कि जो वर्ब होती है, वर्ब हमेशा कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसी क्रिया होती है जिसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब होती है जिसके बाद क्या होता है, वर्ब दिया गया होता है। बस समझ आ गई थी, तो ये चैप्टर जो है आपका दवर, ये चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है, इसको आप लोग ढंग से देख करके पढ़ लीजिए। थैंक्स।